मैं कायल हूँ मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व का, जो हरियाणा प्रदेश में एक बहुत ही ईमानदार और जवाबदेही मुख्यमंत्री के रूप में आपको सेवा दे रहे हैं। साथियों, एक जमाने में चौधरी भजनलाल जी ने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था और आज 300 करोड़ की लागत से आदमपुर हल्के में टेल तक पानी पहुंचाने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। 24 घंटे बाथरूम गांव में बिजली देने का काम उन्होंने किया और इन्हीं की रहनुमाई में आने वाले समय में संपूर्ण आदमपुर हल्के में और भी विकास कार्य होंगे। सम्मानित ग्रामवासियों, पिछले 2.5 महीनों में जब से हम भाजपा में शामिल हुए हैं तो 530 करोड़ रुपए की लागत से मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से, दुष्यंत जी के आशीर्वाद से, पिताजी की मेहनत से विकास कार्य हुए। जो जो विकास कार्यों की करके वायदे तो चौधरी कुलदीप जी ने आपसे किए थे वो एक के बाद एक पूरे होते जा रहे हैं। चाहे वो ढाणी मोहब्बतपुर के स्कूल खुलवाने की बात हो, हमारे किसानों को मुआवजा दिलवाने की बात हो, आदमपुर में फाटक खुलवाने की बात हो, आदमपुर गांव को नगर पालिका से बाहर निकालने की बात हो, मंडी आदमपुर में बरसाती पानी की निकासी कराने की बात हो, सीवरेज के पानी की व्यवस्था दुरुस्त करवाने की बात हो, सड़कों की व्यवस्था करने की बात हो। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं दुष्यंत जी का, जिन्होंने 29 करोड़ 32 लाख की लागत से हमारे आदमपुर हल्के के विभिन्न इलाकों में 35 पक्के मार्गों का निर्माण कार्य कराने का काम किया। साथियों, ये काम मैं आपको इसलिए गिना रहा हूँ, जब हमने अपना फर्ज निभाया है मैं इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि आज आदमपुर हल्के में विकास कार्यों में एक नई रफ्तार पकड़ ली है। अगर 2.5 महीनों में 530 करोड़ के काम हो सकते हैं तो आने वाले 2 साल में कितने हम काम करा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ शुरुआत है साथियों। जो जो विकास कार्य, जो जो समस्याएं आती हैं बिजली पानी की, शिक्षा रोजगार की, खाद सफा की, उन सभी का समाधान जल्द से जल्द होगा।